दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक क्राइम थ्रिलर और ड्रामा मूवी आई है अमेजोन प्राइम पर, हर द चैप्टर वन के नाम से, जिसमें लीड रोल निभाते हैं नजर आएंगे रूहानी शर्मा, संजय स्वरूप और रवि वर्मा जैसे और भी कई सारे स्टार, जिसको मैंने देख लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए अपना टाइम और डाटा देना चाहिए, और मूवी में क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। मूवी को डायरेक्ट किया है सिरधर स्वारा भाव ने, जिसका बजट 4 करोड़ के आसपास है। बात करें स्टोरी लाइन की तो दोस्तों, बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी है एक आईपीएस ऑफिसर अर्चना एज रूहानी शर्मा की, जो 6 महीने सस्पेंड रहने के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस लौटती है, और आते ही उसको एक डबल मर्डर केस मिल जाता है जिसको सोल्व करने की जद्दोजहद में लगी हुई है वो। यानी कि यह एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी है और यहाँ पर तो डबल मर्डर है, एक लड़के का और एक लड़की का। तो कहानी में आगे क्या होगा, क्या अर्चना इस केस को सोल्व कर पाएगी, और इस डबल मर्डर करने के पीछे कातिल की असली वजह क्या है, ये तो आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूहानी शर्मा ने एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के रोल में काम अच्छा किया है। उनके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, जो सिचुएशन से मैच भी हो रही थी। पूरी पूरी मूवी को वो लीड कर रही है, जो इसको क्लाइमैक्स तक खींचने में कामयाबी होती दिखी है। बेस्ट परफॉर्मेंस, और मूवी में जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है सबका काम ओके ओके था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी ओके ओके है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो दोस्तों, इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी लेंथ, यानी कि मूवी को ज़्यादा देर झेलना नहीं पड़ेगा आपको, और मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है जो आपको इंगेज कर सकती है। इसके अलावा तो मूवी में एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं लगा मुझे। बात करें नेगेटिव की तो दोस्तों, मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी कहानी, जो बार बार ट्रैक से उतर जाती है और ट्रैक पर वापस आती भी नहीं है। यानी कि मूवी की राइटिंग बहुत ही बेकार तरीके से की गई है, जो ऑडियंस को कनेक्ट करने में नाकाम साबित होती है। भाई साहब, पता नहीं स्क्रिप्ट को नींद में ही लिखा था श्रीधर साहब ने, मतलब यार मूवी में इन्वेस्टिगेशन के साथ मजाक किया गया है। नहीं तो यार, साउथ इंडस्ट्री की तरफ से बढ़कर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन फिल्में हमने देखी है, जैसे पोर्थोजिल, केरला फाइल्स एंड थाडम जैसी और भी कई फिल्में। लेकिन भाई, इस मूवी से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जब जब भी आपको लगेगा कि केस में कुछ लीड मिली है, अब कुछ होगा, लेकिन भाई कुछ नहीं होता है। इतना सब झेलने के बाद भी आपके हाथ लगेगा एक ठंडा क्लाइमैक्स, और इसका चैप्टर 2 भी आएगा भाई, जिसके लिए मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब बात आती है कि भाई मूवी को क्यों देखें। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्राइम थ्रिलर मूवी पसंद है तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, तो मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, जिसमें कोई भी बैड सीन या न्यूडिटी नहीं है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, इस मूवी को मेरी तरफ से सबसे कम स्टार 1.5 ही मिलेंगे, वो भी रूहानी शर्मा की परफॉर्मेंस के लिए। बाकी इसकी कमजोर कहानी, स्लो स्क्रीन प्ले और एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का मजाक बनाने के लिए 3.5 स्टार तो आराम से कटा जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू हर द चैप्टर मूवी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।